एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने अपना एक और रीयूज डिज़ाइन कंटेनर लेकर, जिसमें इससे पहले मैं वीडियो में आप लोग के साथ अपना एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ मेरी साड़ीज कस्टमर्स की साड़ीज थी जिसको मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और उस साड़ी में एक ग्रीन कलर की साड़ी का भी वीडियो था, जो कि आज मैंने बोला था कि मैं देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए, आज जो मैंने उससे एक ड्रेस क्रिएट किया है वो आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, ये देखिए, ये है उस साड़ी से मैंने इस कुर्ती को बनाया है। ये पूरी एक सितारा वर्क की साड़ी थी, ये देखिएगा। और इसके साथ मैंने अंदर टाफ्टा सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, आई होप साफ दिख रहा होगा। मैंने इसमें ये साड़ी का पल्ले का पोर्शन था, इस कुर्ती में मैंने साड़ी के पल्ले को यूज़ किया है। बाकी पल्ला छोड़कर जो नीचे का पोर्शन था उसे बॉटम में एम्ब्रॉयडरी दिया गया था, और ऊपर का पोर्शन प्लेन था, जिसमें मैंने एक दुपट्टा भी उससे मैंने एक क्रिएट किया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं कुर्ती आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड, ये देखिएगा, ये स्लीव्स बॉर्डर बचा था, उस बॉर्डर से मैंने इस स्लीव्स को बनाया है। स्लीव्स में उस बॉर्डर को यूज़ किया है, नीचे का बॉर्डर था उसको उसको बॉटम में लिया है। इसके साथ ही मैंने कुर्ती के बॉटम में जो एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर, एम्ब्रॉयडरी के नीचे का बॉटम में जो बॉर्डर था वो मैंने इसमें कुर्ती के बॉटम में इसको यूज़ किया है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में। बाकी बनने के बाद कुर्ती ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके नीचे मैंने पैंट बनाया है। फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, ये देखिएगा, ये बनने के बाद अच्छी लग रही है। काश मैं इसको आपको पहनकर दिखा सकती, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ ही मैंने इसके सब पैंट क्रिएट किया है, तो मैं आपको ये पैंट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टाफ्टा सिल्क का ही पैंट है। इस पर ये, इसके साथ मैंने ये बटन, इसके बॉटम में इसको बटन को अटैच किया है। ये तो नॉर्मल पैंट जैसे बनते हैं उसी तरीके से बनाया है। इसके साथ ही मैंने जो इसके साथ जो प्लेन साड़ी थी, बाकी का जो पल्ला छोड़कर जो नीचे का इसका बॉटम पार्ट था, उसमें मैंने ऊपर का नीचे हाफ में एम्ब्रॉयडरी था और हाफ में प्लेन था, तो मैंने प्लेन नेट को निकाल कर उससे मैंने इनका एक दुपट्टा बनाया है, और बाकी का जो बॉर्डर था उसको मैंने उसके ऊपर अटैच किया है। तो फ्रेंड, ये देखिएगा, ये है वो दुपट्टा जिसको मैंने साड़ी से ही निकाला है, और पूरी साड़ी मैंने यूज़ में की, कुछ भी मैंने इसमें वेस्ट नहीं किया है। फ्रेंड, ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है, जो साइड से बॉर्डर बचा था उसको मैंने इस दुपट्टे पर लगाया है, और इसे एक अच्छा सा बॉर्डर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बनकर आया है। आप इसका लुक देख सकते हैं, ये देखिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो कम हो रही थी, तो दुपट्टे को मैंने पलट कर ना इसको बढ़ाकर लगाया है, ये देखिएगा। इससे क्या हुआ है, इसकी जो ये चौड़ाई है वो चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, तो ये पूरा दुपट्टा, मेरे क्लाइंट भी खुश हैं इस बात से कि उनके दुपट्टे का खर्चा जो था वो बच गया है, उनकी साड़ी में से ही मैंने दुपट्टा उनका एक बना। फ्रेंड, अगर आपको मेरा रीयूज डिज़ाइन कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिसके ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसी तरीके से आप लोग का साथ मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, तो मैं इसके साथ साथ रीयूज डिज़ाइन कंटेंट में कुछ ना कुछ नया बनाती रहूँगी, और आप लोग के साथ अपना वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट और आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।